शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। पुराणों में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित कथा इस प्रकार है। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत शोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर शोभायमान हो उठी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा का देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुई। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गई और उनसे अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांति पूर्वक कहा, कलानिधे, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार देते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर अब आगे ऐसा दुर्व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मीयजनों के साथ विषमतापूर्ण व्यवहार करता है उसे नर्क में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और ऐसा सोच लिया है कि चंद्रमा में सुधार हो जाएगा। उसके बाद प्रजापति दक्ष वापस चले गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति अतिशयासक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपने अन्य पत्नियों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से यथोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी तब उन्होंने शाप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा शाप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो घटना हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पिता में ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुँच गए। वहाँ चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना वंदना और अनुष्ठान प्रारंभ किया। वे मृत्युंजय मंत्र का जप तथा भगवान शिव की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा की ही आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहाँ निरंतर खड़े रहे। उनकी उत्कट तपस्या से भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए ये कठोर तप कर रहे हो उस अपनी अभिलाषा तो बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूँगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर कर दें। भगवान शिव ने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्तिभाव पूर्वक शंकर की स्तुति की।
ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।